Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friends, this is Ramzan and you are watching English with Ramzan. आज हम prepositions of time के इस part one video lecture में at, on, इन तीनों prepositions of time के बारे में completely बात करेंगे. Friends, चूँकि ये तीनों बहुत ही confusing होते हैं, एक की जगह पे दूसरे को बहुत सारे लोग यूज़ कर देते हैं, इसलिए इनके बारे में ख़ास तौर से जानना बहुत ज़रूरी है. फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस, इंग्लिश के इन सभी लेवल से रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस इंग्लिश विद रमजान चैनल को सब्सक्राइब करें. तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ के प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम का. जो सबसे पहला हमारा है प्रेपोजिशन, वो है एट. एट का यूज़ किस किस के साथ होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया. एट फॉर आवर्स, घंटों के साथ एट का यूज़ होता है. जैसे बोलते हैं एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock. तो ये जो o'clock होते हैं, 5 हो या 6 हो या 7 हो, इन सब के साथ एट का यूज़ होता है. ठीक, ओके. नेक्स्ट है हॉलीडेज विदाउट डे. हॉलीडेज के जिनमें डे शब्द ना हो, उनके साथ एट का यूज़ होता है. जैसे एट क्रिसमस, एट क्रिसमस, यहाँ पे क्रिसमस एक हॉलीडे है, इसलिए इसके साथ जो है ना एट का यूज़ हुआ. इसी तरह एट न्यू ईयर, न्यू ईयर ये एक हॉलीडे है, इसलिए जो है ना यहाँ पे आपका यूज़ हुआ एट. और इन दोनों एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ पे डे शब्द नहीं है. ठीक, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ डे, यानी एट का यूज़ एक दिन के पार्ट्स के साथ भी होता है. जैसे एट नाइट, एट मिडनाइट. तो नाइट, मिडनाइट, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ अ डे हैं, इसलिए इनके साथ एट का यूज़ होगा. ठीक, ओके. नेक्स्ट है टाइम, यानी टाइम के साथ भी एट का यूज़ होगा. जैसे बोलते हैं at present time, at this time, at that time, at this point of time, at this moment. ठीक, तो इन सब के साथ जो है ना एट का यूज़ होता है. ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में, यानी ऑन. ऑन का यूज़ किस किस के साथ होता है. ऑन फॉर डेज, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इन 7ों दिन के साथ जो है ना ऑन का यूज़ होता है. जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे. तो इस तरह जितने भी दिन हैं सबके साथ ऑन का यूज़ होता है. ठीक, ओके. नेक्स्ट है हॉलीडेज विद डे, यानी ऑन का यूज़ हॉलीडेज के साथ होगा कि जिनमें डे शब्द का यूज़ होगा. एग्जांपल आप देखें ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो यहाँ पे क्रिसमस, इंडिपेंडेंस, इनके साथ जो है ना डे शब्द है, इसलिए हम जो है ना ऑन का यूज़ कर रहे हैं. ठीक, ओके. नेक्स्ट है डे प्लस पार्ट ऑफ डे, इसके साथ भी आपका ऑन यूज़ होगा. डे प्लस पार्ट ऑफ डे, जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग. तो ये डे प्लस पार्ट ऑफ डे है, तो इसलिए इसके साथ जो है ना ऑन का यूज़ हुआ. ठीक, ओके. अब हम बात करते हैं डेट्स के बारे में. डेट्स के साथ भी आपका जो है ना ऑन का यूज़ होता है. जैसे ऑन अप्रैल 3rd, ऑन अप्रैल 4th. तो इन सब डेट्स के साथ भी जो है ना आपका ऑन यूज़ होता है. ठीक, अगर बात करते हैं स्पेसिफिक डे, यानी स्पेशल डेज जो होते हैं उनके साथ भी ऑन का यूज़ होता है. जैसे आप एग्जांपल देखिए ऑन माय बर्थडे, ऑन योर बर्थडे. तो ये बर्थडे जो है ना आपका स्पेशल डे होता है, तो इसके साथ ऑन का यूज़ होता है. ठीक, ओके. ऑन टाइम, टाइम के साथ भी जो है ना ऑन का यूज़ होता है. जैसे बोलते हैं ऑन टाइम, ऑन टाइम, टाइम पर. ठीक, वक्त पर. ओके, अब हम बात करें तीसरे के बारे में, यानी इन. इन का यूज़ किस किस के लिए होगा. इन फॉर पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के पार्ट्स के लिए इन का यूज़ होता है. जैसे हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. ठीक, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ अ डे हैं, इसलिए जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन. ठीक, ओके. नेक्स्ट है वीक्स, यानी हफ्तों के लिए भी इनका यूज़ होता है. जैसे इन अ वीक, इन 2 weeks.
तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मंथ्स, यानी इनका यूज़ मंथ्स के साथ, महीनों के साथ होता है, जैसे इन अ मंथ, इन टू मंथ्स, इन थ्री मंथ्स, ठीक। ओके, नेक्स्ट है ईयर्स, यानी सालों के साथ जो है ना इनका यूज़ होता है, जैसे इन अ ईयर, इन टू ईयर्स, इन थ्री ईयर्स, ठीक, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सीजन्स, यानी और इनका यूज़ सीजन्स यानी मौसमों के साथ होता है, जैसे हम बोलते हैं इन विंटर, इन समर, ठीक, तो ये सीजन्स है तो इनके साथ इनके यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेंचुरीज के बारे में। सेंचुरीज के साथ भी जो है ना इनका यूज़ होगा, जैसे इन फिफ्थ सेंचुरीज, ठीक, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डेकेड्स, डेकेड्स यानी दहाइयों के साथ भी इनका यूज़ होगा, जैसे इन द सिक्सटीज, ठीक। ओके, लास्ट वन है पीरियड्स ऑफ टाइम, पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ भी आपका इन यूज़ होगा, जैसे इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन थ्री आवर्स, इन टू आवर्स, इन वन आवर, इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एट, इन, ऑन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। अब बसा अवकात बहुत सारे लोग एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर देते हैं, तो इसलिए जो है ना मेरी तरफ से एक मशवरा ये है कि जितना आप मुताला करेंगे, जितना आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जितना आप इंग्लिश लेसन्स को पढ़ेंगे और इंग्लिश आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उतना ही जो है ना आप इनका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट वन वीडियो लेक्चर में हमने तीन प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी सब प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को लेकर के। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।